हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पुशा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल कर ले। मैं आ गई हूं, मुझे बताएं ना, मुझे बताएं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो लेकर आ गया जिसमें हम देखने वाले पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाली ट्रेन है ना, उनकी स्पीड और जो इंडिया में बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाली है उनकी स्पीड का कंपैरिजन होने वाला है। पहले पाकिस्तान की वीडियो आएगी, फिर इंडिया की वीडियो आएगी। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रेन स्पीड वीक में खुश आमदेद। आज मैं मौजूद हूँ झम्पीर रेलवे स्टेशन पे। कराची डिवीज़न का रेलवे स्टेशन है और आज हम यहाँ कैप्चर करेंगे आपके लिए ट्रेन की स्पीड और आपको दिखाएंगे कि कितनी स्पीड पे झम्पीर रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती हैं। जी 34 डाउन। एक 104 किलोमीटर के ऊपर पास हुई है झम्पीर रेलवे स्टेशन से पाक बिजनेस एक्सप्रेस 34 डाउन। कराची एक्सप्रेस आ रही है 16 डाउन लाहौर से निकल के कराची के लिए। HGMU 30 82 13 इसको लीड कर रहा है। देखते हैं इसकी स्पीड। ले जी 107 पे जा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त पास देखा है आपने। 107 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से कराची एक्सप्रेस 16 डाउन निकल गई है कराची के लिए। झम्पीर रेलवे स्टेशन पे आप फास्ट ट्रेन स्पीड एक्शन देख रहे हैं। दोपहर के 11:30 हुए हैं। 82 26 HGMU 30 लीड कर रहा है 47 आप रहमान बाबा एक्सप्रेस को और आप देख रहे हैं ट्रेन स्पीड वीक। ले जी ये भी 107 पे गुजर रहा है। What a great pass by HGMU 30 8226 at झम्पीर railway station। down आ रही है और 8202 haul कर रहा है HGMU 30। ये थोड़ी slow है। सर सैयद एक्सप्रेस का पास देखा है आपने झम्पीर रेलवे स्टेशन पे। 101 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजर गई है। सिक्स डाउन ग्रीन लाइन आ रही है इस्लामाबाद से निकल के कराची के लिए। दिन के 12:15 और इसको HGMU 30 8212 हॉल कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये कितनी स्पीड पर यहाँ से गुजरती है। एक सौ दस किलोमीटर पे आ रही है जी ग्रीन लाइन फास्टेस्ट।
अब तक की फास्टेस्ट ट्रेन गुजरी है झिम्पी रेलवे स्टेशन से, जिसने तमाम ट्रेन्स को मात दे दी है। ये फ्रेट ट्रेन आ रही है, पचास किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से झिम्पीर यार्ड में से गुजर गई है एक एम्प्टी फ्रेट ट्रेन। लेकिन कराची की तरफ से एक और ट्रेन आ रही है और काफ़ी अच्छी स्पीड में लग रही है ट्रेन। चौवन किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रही है, अभी स्पीड पकड़ रही है। एक और फ्रेट ट्रेन आ रही है जी, ये अब तक की फास्टेस्ट फ्रेट ट्रेन थी जो झिम्पीर से पास हो गई। ट्रेन झिम्पीर यार्ड में एंटर हो रही है G40 के साथ, स्लो स्पीड लग रही है काफी, इसको देखते हैं। 26 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ही एंटर हो रहा है। बड़ी स्पीड से चल रही है, लगता है इंडिया की सबको फास्टेस्ट ट्रेन है ना वो, या फिर वो भी वंदे भारत ट्रेन, वो तो 180 की शायद स्पीड पे चल रही है। गतिमान बिजली का भी चल रही है ना ट्रेन, ए ज्यादा स्पीड पे चल रही है, इन्हें भी स्पीड बहुत ही वेखा है तो जी हड़ी और इन लाइन की भी स्पीड पे चल रही है और बिजली में चल रही काम है ऐसा ना होता है। 163 की स्पीड पे चल रही है।
झांसी की रानी। गतिमान गतिमान ये थी आज की वीडियो। तो भाई हमारी एक भी जो ट्रेन है ना, मतलब हमारे यहाँ पर ना सबसे अच्छी ट्रेन कौन सी है, ग्रीन लाइन इधर है, उनको बताया कौन सी है जिसमें हम ट्रेवल करके बैठ के बहुत अच्छी भाई ट्रेन है। वैसे अगर बोला जाए ना तो सफर करने के लिए काफी ज्यादा कम्फर्टेबल मतलब थी, जाने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आते हुए थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम ये हुई की गंदी बेडशीटें थी और गंदे सराहने, है ना, आते टाइम ये थोड़ा मसला हुआ जरूर था हमें, लेकिन जाते टाइम भाई साफ सुथरा सारा माहौल था, साफ सब कुछ साफ सुथरा था, तो हाँ बहुत अच्छा लगा था। तो स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड जो ग्रीन लाइन की है ना वो 110 है किलोमीटर पर आवर स्पीड, लेकिन इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्पीड वाली है ना वो 180 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और ये गतिमान जो है ना वो 160 163 165 की स्पीड में ना चलती है, मतलब कि ये ज्यादा आपको जल्दी हमें जो है ना वो पहुंचा देती है। आपने कहीं पे भी जाना हो ना, तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला है कि जो हमें बिजली से चलने वाली ट्रेनें होती है ना वो ज्यादा स्पीड में चलती है, और जो दूसरी होती है ना वो इतने हमारे यहाँ एक भी जो ट्रेन है ना वो नहीं हमें चलती। देखिए कोई भी आपने रूट ही नहीं बनाया गया, रूट अगर वैसा बनाए बिजली की तारें, बिजली है नहीं घर से आने वास्ते, बिजली नहीं तो लोग वही ना घरों में आने के लिए बिजली है नहीं हमारे पास, और हमने ट्रेनें चलानी है बिजली के साथ, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन इंडिया में जितनी भी मैंने ट्रेनें देखी है ना अब वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, उन्होंने भाई सारी की सारी उनकी जितनी भी ट्रेन है ना वो हमें कैसे चलती हैं, बिजली से, बिजली से चलती हैं। तो हमारे कब ऐसे होगा, हमारे नहीं हो सकता, हमें क्यों? हमें बिजली नहीं मिलती तो दूसरी गाड़ियों में कहां मिले है? नहीं सोचा जा सकता है, लेकिन अगर हम बिजली बनाना देखनी है, किसने देखनी है, हमने होना भी है कि नहीं, हमें नहीं होना भी है कि नहीं, लेकिन यार आई होप सो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे कंट्री में भी बिजली से चलने वाली ट्रेनें जो है वो पैदा हो जाएंगी। इन्हीं ट्रेनों को बिजली पे कर दो, जो आप इतना ज्यादा दूसरे पे भी तो खर्च कर रहे हो ना पैसे, अगर बिजली से चलना स्टार्ट हो जाए तो स्पीड भी ज्यादा होगी और आवाज भी कम करती है जो बिजली से चलने वाली चीजें होती है ना। इंडिया में तो अभी गाड़ियां चलने वाली चल रही है, बिजली से बसें चल रही है, हमारे यहाँ तो अभी तक इतना टेक्नोलॉजी नहीं आई कि यहाँ पे बिजली से चलने वाली जो है गाड़ी कोई आ जाए, लोग पेट्रोल पे ही चलाते हैं जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, बिजली से कोई नहीं चलती क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं ना, उसके लिए हमें बिजली के स्टेशन होने चाहिए जहाँ से लोग बिजली के चार्ज करवा के, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ना इस तरह से, तो वो इंडिया में तो जगह जगह बने हुए हैं, तो वही ना कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है।